नमस्कार, मैं हूं कनुप्रिया सत्तन और triple.com पर आप देख रहे हैं बिजनेस और एंटरटेनमेंट से जुड़ी कुछ खास खबरें। भारत के प्रमुख संगठित थोक विक्रेता और खाद्य विशेषज्ञ मेट्रो कैश कैरी ने भारत में अपने 16 साल के सफल संचालन की याद में अपने 3 मिलियन और छोटे स्वतंत्र व्यापारी ग्राहकों के लिए भव्य सालगिरह मनाई। 25 जून से 11 अगस्त 2019 तक 48 दिन की लंबी एनिवर्सरी सेल में मेट्रो ग्राहकों ने बड़े पैमाने पर ऑफर का लाभ उठाया और आगे भी उठाते रहेंगे। वर्षगांठ के जश्न के एक हिस्से के रूप में मेट्रो ने एक अभियान इम्पॉसिबल डील्स और कैशबैक शुरू किया है, यानी कि अभियान के अंतर्गत असंभव लगने वाले सौदे आसानी से हो सकेंगे। इस अभियान में इसके अपने 27 होलसेल स्टोर में उपलब्ध उत्पादों पर आकर्षक कैशबैक ऑफर, कॉम्बो डील्स और बहुत सारे बाय वन गेट वन जैसे डील्स भी मिलेंगे। साथ ही 50% की छूट वाले ऑफर और ₹1 का सौदा अपने खुद के ब्रांड पर मेगा डील्स और अन्य रोमांचक छूट भी शामिल है। इस अवधि के दौरान सीमित अवधि के लिए मेट्रो ने 5,000 पे 5,000 जैसे अविश्वसनीय सालगिरह ऑफर भी दिए हैं। इन वर्षों में मेट्रो अंतरराष्ट्रीय स्तर की मानक गुणवत्ता और खाद्य सुरक्षा का पर्याय बन गया है। यह HACCP से प्रमाणित पहला आधुनिक थोक विक्रेता है। जानी मानी टेलीविजन अभिनेत्री दीपशिखा नागपाल की वापसी के बाद NTV की अलौकिक प्रेम कहानी मैं भी अर्धांगिनी ने अपने 100 एपिसोड्स पूरे किए हैं। माधव के रूप में अविनाश सचदेव और वैदेही के रूप में अदिति रावत की अनूठी जोड़ी के साथ अंजलि प्रिया यानी कि चित्रा के रूप में इसे सुपर नेचुरल ट्विस्ट दिया गया है। यह शो अपने शानदार प्रेम कहानी के साथ दर्शकों को खूब लुभा रहा है। इस मौके का जश्न मनाने के लिए सारे कलाकार और टेक्नीशियंस ने उन सारे एपिसोड्स की स्क्रीनिंग करने का फैसला किया ताकि उन अद्भुत पलों को एक साथ मिलकर याद किया जा सके और जिया भी जा सके। इसके बाद केक काटने की एक छोटी सी सेरेमनी की गई। ऑस्ट्रेलिया में अपने बच्चों के साथ लंबी छुट्टियां मनाने गई दीपशिखा नागपाल भी इस जश्न में सही समय पर शामिल हो गई थी, जिससे पूरी क्रू उन्हें देखकर बेहद खुश हुई। जाने माने अभिनेता समृद्ध बाबा ने ड्रामा, कॉमेडी और सुपरनेचुरल जैसे अलग अलग जोनर में अपने विविधतापूर्ण अभिनय से दर्शकों का मनोरंजन किया है। अपने प्रशंसकों और दर्शकों के लिए एक और बेहतरीन सरप्राइज लेकर ये हाजिर भी हुए हैं NTV के सुपरनेचुरल शो लाल इश्क के आगामी एपिसोड में। एक्शन से भरपूर वापसी भी करने वाले हैं। जीवन में पहली बार एक्शन सीन कर रहे समृद्ध उस सीन को करने के लिए बेहद उत्सुक थे और उन्होंने कहा कि बॉडी डबल का मैं सहारा नहीं लेना चाहता था और ना ही मैंने लिया। अपने आइडल अक्षय कुमार की बेहतरीन परफॉर्मेंस से प्रेरित समृद्ध ने बिना किसी सहारे के सीन करने का फैसला लिया। उन्होंने अपने आसपास मौजूद क्रू के लोगों को बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। अपना अनुभव साझा करते हुए समृद्ध ने कहा कि बचपन से ही मैं अक्षय कुमार को काफी पसंद करता हूं और उन्हें लगभग ना के बराबर एक्शन इक्विपमेंट्स के बिना के साथ स्टंट्स और एक्शन सीन करते हुए देखकर मैं हैरान हो जाता हूं। मैं हमेशा से ही ये सोचता हूं और सपना देखा करता था कि मैं भी इस तरह के सीन कभी कर पाऊंगा या नहीं। जब लाल इश्क में मेरे सामने ये सब कुछ करने के लिए आया तो मैंने फैसला किया कि मेरे लिए जियो या मरो वाली स्थिति होगी। रस्सी या बॉडी डबल का विकल्प रखने की बजाय मैंने इस सीन को बिना किसी मदद के करना पसंद किया। मुझे हमेशा ही चोट लगने का डर सताता था, लेकिन अक्षय कुमार का सीन मेरे दिमाग में चलता रहता था। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी हर खबर के पीछे की हकीकत जानना है तो बने रहिए triple.com पर।